देश भर में आज गणतंत्रता दिवस का जश्न, 75वां रिपब्लिक डे मना रहा है भारत। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल की निकलेगी परेड। आज सुबह 10:30 बजे शुरू होगी परेड, विजय चौक से लाल किले तक निकाली जाएगी झांकी। सुबह 9:30 बजे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से कार्यक्रम की शुरुआत। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार शामिल होगी तीनों सेनाओं की महिला टुकड़ी। फ्लाइट पास्ट में गर्जेंगे 51 विमान। रिपब्लिक डे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे फ्रांस के 95 सदस्यीय मार्चिंग दल, 33 सदस्यीय बैंड दल, 2 राफेल लड़ाकू विमान भी दिखाएंगे अपना कर्तव्य। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली सीमा के पास सुरक्षा कड़ी, वाहनों की सघन चेकिंग कर रही है पुलिस। गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, पुलिस ने जामा मस्जिद सहित कई इलाकों में लगातार लगा रही है गश्त। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, पेट्रोलिंग के अलावा ड्रोन से भी रखी जा रही है सब पर नजर। जम्मू कश्मीर में LOC पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, हाई अलर्ट पर सेना के जवान, घुसपैठ विरोधी निगरानी बढ़ी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली, रोशन हुई राजधानी दिल्ली, लाल किला, राष्ट्रपति भवन समेत सभी सरकारी इमारतों में की गई लाइटें। गणतंत्र दिवस के मौके पर रोशनी से जगमगा गई मुंबई, सारी सरकारी बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को किया गया रोशन। गणतंत्र दिवस के मौके पर रोशनी से नहाया कोलकाता, तिरंगे के रंग में दिखा राजभवन, मेट्रो भवन, बिरला औद्योगिक और PITM। रिपब्लिक डे के मौके पर रंग बिरंगी लाइट से जगमगा गया भोपाल, विधानसभा समेत सभी सरकारी बिल्डिंग्स पर की गई लाइटिंग। गणतंत्र दिवस के रंग में रंगी असम की गुवाहाटी, शानदार लाइटिंग से जगमगाई सरकारी इमारतें। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू में दिखा बेहद खूबसूरत नजारा, लाइटिंग्स की वजह से जम्मू तवी ब्रिज और जम्मू यूनिवर्सिटी हुआ रोशन। श्रीनगर के लाल चौक को तिरंगे के रंगों में सजाया गया, सरकारी कार्यालयों पर भी सजावट बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट का रिहर्सल किया गया, रिपब्लिक डे के लिए जवानों की जोरदार तैयारी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का राष्ट्र को संबोधन, कहा देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का मौका, देश के विकास में सभी का योगदान। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, कहा इस गणतंत्र दिवस पर केरल बना रहा पढ़े लिखों का एक नया समाज। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, दिल्ली हवाई अड्डे पर विदेश मंत्री जयशंकर ने किया उनका भव्य स्वागत। दो दिन के भारत दौरे पर कल जयपुर पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस परेड में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे इमैनुअल मैक्रों। पद्मश्री पुरस्कार से नवाजी जाएंगी 110 विभूतियां, पद्मश्री पाने वालों के लिस्ट में टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना भी शामिल।
पद्म पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों को पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, अपने असाधारण कार्यों से लोगों को प्रेरित करते रहे। ज्ञानवापी मामले में दोनों पक्षों को मिली एएसआई सर्वे रिपोर्ट, 839 पेज की है ये सर्वे रिपोर्ट। ज्ञानवापी में सर्वे रिपोर्ट की कॉपी भव्य हिंदू मंदिर की जगह बनाई गई थी मस्जिद, मंदिर के पुराने खंभों से बनाई गई मस्जिद है। एएसआई के सर्वे रिपोर्ट पर महिला पक्षकार ने जताई खुशी, कहा अब तो मुसलमान भाइयों को मंदिर हमें सौंप देना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बिहार की सियासत को लेकर बैठक हुई, सम्राट चौधरी और रेणु देवी से की मुलाकात, जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। विनोद तावड़े के घर पर बिहार के हालात पर अहम बैठक, सम्राट चौधरी और रेणु देवी रहे मौजूद। आज सुबह दिल्ली पहुंचेंगे चिराग पासवान, सूत्रों के मुताबिक शाम 4 से 5 बजे के बीच अमित शाह के साथ हो सकती है मीटिंग। बिहार की सियासत पर चिराग पासवान का बयान, कहा बीजेपी के आला कमान से की चर्चा, पूरे घटनाक्रम पर है नजर, राज्य हित में होगा सब कुछ। बिहार की सियासत पर केसी त्यागी का बयान, कहा नीतीश ने सोनिया लालू पर बयान नहीं दिया, बच्चों को बड़ों के मामले में नहीं बोलना चाहिए। गिरिराज सिंह का नीतीश पर निशाना, कहा बीजेपी को मोहरा बना रहे हैं नीतीश, कार्यकर्ता के नाते मेरे लिए नीतीश के दरवाजे बंद। जेपी नड्डा का केरल दौरा हुआ रद्द, 27 जनवरी को जाना था उन्हें केरल, सूत्रों के मुताबिक बिहार में सियासी हलचल को देखते हुए लिया गया ये फैसला। बिहार सीएम नीतीश कुमार पर संजय राउत का बयान आया सामने, कहा नीतीश बहुत मजबूत नेता, वो गठबंधन नहीं छोड़ रहे। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा हवाओं की तरह बदलती है उनके विचारधारा।